वर्तमान समय रे सीमा रो सुचि बड़ खबर भारत एवं चीन सीमा रे युद्ध परिस्थिति तेनु उभय देश निज निज अस्त्रशस्त्र टैंक एवं भारी जान सब रेडी रखी छथि। एहा सहित भारतीय टैंक रो कमांडर देइछंती बड़ बयान से कहिछंती भारतीय भीष्म टैंक आगे चीन रो हालुका टैंक तिष्ठि पारिबो नाही आउ निश्चित भाबे भारत जदि युद्ध हुए भारत निश्चिंत चीन को मात देबो। तबे आसंतु जानिबा कोन रहिछ अपन ई संपूर्ण खबर ता पूर्वरु ओडिया न्यूज दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करके पाखरे असुथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु आउ जदि आपन जने सच्चा भारतीय निहाति कमेंट सेक्शन रे जय हिंद लेखंतु। लद्दाख स्थित भारत चीन सीमार प्रकृत नियंत्रण रेखा एलएसी निकटरे दुई देशर सेना मध्यरे उत्तेजना लागि रहिथिबा बेले भारतीय सेनार टैंक कमांडर माने एक गुरुत्वपूर्ण सूचना देइछंती। सेमाने कहिछंती जे जदि भारत और चीन मध्यरे लद्दाख रे सम्मुख युद्ध हुए और सेथिरे टैंक रो व्यवहार हुए तबे भारतर T-90 भीष्म टैंक आगरे चीन रो हालुका युद्ध टैंक गुडिक तिष्ठि पारिबे नाही। एपरिकी भारतर पुरुणा सोवियत निर्मित T-72 युद्ध टैंक गुड़िक चीन रो टैंक गुड़िक ध्वंस करने को सक्षम हेबे। किछि दिन तले सूचना आसीथिला जे चीन सेना पूर्व लद्दाखर चुमार डेमचोक अंचल समेत आउ केतेक अंचल निकटस्थ एलएसी आरपटे हालुका युद्ध टैंक T-15 मुतयन करिछि। यार जवाब रे भारतीय सेना मध्य निजर मुख्य युद्ध टैंक T-90 भीष्म और T-72 टैंक मुतयन करिछि। तबे हिमालय पार्वत्य अंचलर परिवेश को नजर रखि T-92 टैंक को स्वतंत्र भाव में प्रस्तुत करा जायछि तेणु यह शत्रु पक्षर स्थल आक्रमणर मुकाबला करिबाकु सक्षम अटे। तबे चीन रो T-15 टैंक गुड़िक भारतीय टैंक को उड़ाई देव बोली चीन रो सरकारी नियंत्रित संवादपत्र ग्लोबल टाइम्स रे प्रकाशित होइथिला। एहार जवाब रे भारतीय टैंक कमांडर माने कहिछंती जे युद्ध क्षेत्र रे भारतीय T-90 आगरे चीन रो T-15 तिष्ठि पारिबो नाही आ जदि युद्ध परिस्थिति सृष्टि हुए निश्चित भाबे भारत चीन को हराइबो एवं भारत जयलाभ करिबो। तबे एहा थिला सीमा को नै वर्तमान रो रिपोर्ट बा वर्तमान रो अपडेट एहा परे कोन रहिबा आगामी अपडेट आमे नै आसिबो नेक्स्ट वीडियो रे सेति लागि चैनल स सब बड पई कनेक्ट हेइ रहंतु। भारत आ चीन सीमा को नै टिकि निकि अपडेट जाने पई हेले ओडिया न्यूज दुनिया चैनल को सब्सक्राइब करिकि पाखरे आसिथिबा बेल आइकन टी को बजि दियंतु। वीडियो टी को लाइक कमेंट से निश्चित करंतु। से पर्यंत मु रहिली जय हिंद।